सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बीजेपी के महाधिवेशन के दौरान पंजाब बीजेपी अध्यक्ष श्वेत मलिक ने MH1 न्यूज से खास बातचीत की। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, 130 करोड़ भारतवासियों के हृदय सम्राट, हमारे यशस्वी कर्मयोगी सन्यासी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी विजय गाथा कि जो 4.5 वर्ष का उनका स्वर्णिम कार्यकाल रहा, देश के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, फौज के लोग हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सबको बड़ी बड़ी राहतें मिली, बड़े बड़े उनके लिए योजनाएं चली हैं। तो उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित है कि आज तक की सबसे ईमानदार सरकार जो मोदी सरकार है, उस सरकार को काम करते कार्यकर्ता ने देखा है। आपने देखा कि 2014 से पहले जो मनमोहन सिंह की जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी, 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, तो तब मोदी जी ने कहा था ना भ्रष्टाचार करूंगा ना करने दूंगा। और जो चौकीदार के रूप में ये जो चोर जो देश को दीमक के रूप में चाट गए ये कांग्रेस के लोग है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खदेड़ा है। इस करके आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि अब फिर से एक बार हम संकल्प लेकर सिद्धि तक काम करेंगे और 2019 के चुनाव में पहले से भी ज्यादा बहुमत से मोदी जी को वापस लाएंगे। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की दृष्टि से यह अधिवेशन किस तरीके से महत्वपूर्ण रहेगा? पंजाब में आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्नेह मिल रहा है जो पंजाब के लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चौकीदार का दायित्व निभा रही है। हम विपक्ष के रूप में जो लोगों को आज जो वेंटिलेटर पे डाल दिया है, कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने झूठे वायदे करके, गुमराह करके आज जो आम आदमी है उसका जीना मुश्किल कर दिया है। आज पंजाब में आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा है, डाके बज रहे हैं, चोरियां हो रही है, नशा माफिया, तेल माफिया, रेत माफिया, इनके दबाव में सरकार काम कर रही है और अदृश्य सरकार है, अदृश्य मुख्यमंत्री, अदृश्य मंत्री और अदृश्य विधायक है जो भगौड़े हो गए हैं जनता की जो दरबार से। सो आज भारतीय जनता पार्टी पंजाब बहुत प्रोत्साहित है, क्योंकि आपने देखा गुरदासपुर में जो रैली हुई, लाखों लोग वहां पे आए और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंजाब के लिए किया है वो सिद्ध करता है कि पंजाब में बदल की आंधी चल रही है, जिसका रिजल्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में आएगा, जब ये कांग्रेसियों को हम जनता की अदालत से सजा दिलाएंगे और इनकी जमानत नहीं बच पाएगी। 13 से 13 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन जीतेगा। जी, तो ये थे श्वेत मलिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह का भाषण दिया और जिस तरह के तमाम काम मोदी गवर्नमेंट ने किए हैं वो गिनाए हैं और उनका पूर्ण विश्वास है कि 2019 के चुनाव में पंजाब से 13 की 13 जो सीटें हैं वो गठबंधन जीत कर आएगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, MH1 न्यूज़, दिल्ली।